रामलला के दर्शनों का सदियों का इंतजार आज आखिर समाप्त हो गया। जैसे ही भक्तों ने रामलला की पहली छवि देखी तो ऐसी खुशी हुई कि कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। बालकंड रामचरितमानस में जैसी रामलला का वर्णन किया गया है, वैसा ही रामलला का विग्रह सुशोभित हो रहा है। रामलला के चरणों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। कमर में करधनी और पेट पर त्रिवली है। रामलला की विशाल भुजाएं आभूषणों से सुशोभित हो रही हैं। वहीं छाती पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जहां पीएम मोदी ने रामलला के चरणों में पुष्प अर्जित किए। उनके पीछे सीएम योगी भी हाथ जोड़े खड़े नजर आए। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से कई अतिथि पहुंचे हैं। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंच गए थे। वहीं लाल कृष्ण वाणी अयोध्या नहीं जा पाए। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। इसके अलावा सेना ने भी अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आरती के समय सभी अतिथि घंटी बजा रहे थे और सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा हो रही थी। आज यानी 22 जनवरी को 500 साल का इंतजार उन सभी करोड़ों राम भक्तों का पूरा हो गया, जो इस दिन का इंतजार लगातार कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।